गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं आपका सभी का स्वागत करता हूँ हमारे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल जिसका नाम है निकुलस ऑफ नॉलेज बाय समरत। और हमारा जो बैच चल रहा है गो गेटर्स, उसका आज का लेक्चर मैं आपके साथ लेके आ गया हूँ। लेक्चर नंबर आज का जो मेरा है साइंस, मैं आपको साइंस पढ़ा रहा हूँ। आज जो लेक्चर है मेरा टोकल, मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया था कि किस तरह से हम साइंस को पढ़ेंगे फॉर JKSSB अकाउंट असिस्टेंट, और क्लास फोर्थ में भी ये वाला जो पोर्शन आएगा आपको, तो ये क्लास फोर्थ का भी इसमें आपका सिलेबस कवर हो जाएगा साइंस का। और कल मैंने आपको इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया था अबाउट मोशन, मोशन क्या होता है और इसके टाइप्स बताए थे मैंने। रेक्टिलिनियर मोशन होता है, हमारे पास ऑसिलेटरी मोशन होता है और सर्कुलर मोशन होता है। ये हमारे पास जनरली 3 टाइप्स ऑफ मोशन होते हैं। अब उसके आगे जो मोशन के कुछ टर्म्स हैं आज वो पढ़ेंगे, पर उससे पहले मैं आपको फिज़िक्स में हमारे पास होती है फिज़िकल क्वांटिटीज़, क्योंकि ये चीज़ें जो है आगे यूज़ होंगी, इसलिए मैं पहले आपको फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ के बारे में बता देता हूँ। जो फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ जो होती हैं हमारे पास, कितने टाइप्स की होती हैं? फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ इज़ ऑफ 2 टाइप्स, क्योंकि ये आपको सबसे पहले क्लियर होना चाहिए, क्योंकि आगे हमने पढ़ना है सम बेसिक टर्म्स यूज़ फॉर मोशन। ठीक है, मोशन के लिए जो कुछ बेसिक टर्म्स यूज़ होती हैं रिलेटेड टू मोशन वो हमने पढ़ना है। बट उससे पहले आपको ये 2 चीज़ें जो है फ़िज़िकल क्वांटिटी में हमारे पास क्या आती है, फर्स्ट आती है स्केलर क्वांटिटी। बहुत बार आपने सुना होगा स्केलर क्वांटिटी होती है हमारे पास। ठीक है, स्केलर क्वांटिटी होती है। और दूसरी जो हमारे पास होती है उसको हम बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी। पहले ये दोनों टर्म्स जो हैं आपको क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि ये जो टर्म है इन 2 टर्म्स के ऊपर बहुत बार क्वेश्चन आता है कि स्केलर क्वांटिटी क्या होती है और वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है। स्केलर क्वांटिटी क्या होती है, सिंपल वे मीन्स की सिंगल लैंग्वेज में आपको बताता हूँ। सिंपल स्केलर क्वांटिटीज़ और दोज क्वांटिटीज़ मीन्स क्वांटिटी हमारे पास कुछ भी हो सकती है। ठीक है, इन एनी फिज़िकल फॉर्म हमारे पास कोई क्वांटिटी होगी, तो क्वांटिटी जिसका क्या होगा हमारे पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा। द क्वांटिटी विच हैज़ ओनली मैग्नीट्यूड, सिर्फ उसका मैग्नीट्यूड होगा। देर इज़ ए नो डायरेक्शन की वो जो आपके पास क्वांटिटी है उसकी डायरेक्शन क्या है। मोशन, मोशन में यूज़ होती है ये, तो किस डायरेक्शन में वो जा रही है उसमें वो चीज़ नहीं होगी, सिर्फ उसमें हमारे पास क्या होगा, देर इज़ ओनली ए मैग्नीट्यूड। और ऑल दोज क्वान्टिटीज़ विच हैज़ मैग्नीट्यूड्स आर कॉल्ड स्केलर क्वान्टिटीज़। ठीक है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको बताता हूँ जो स्केलर क्वान्टिटीज़ होती है हमारे पास, जैसे स्पीड, स्पीड ठीक है, देन मास, देन वॉल्यूम। ठीक है, ये आपके पास एग्जांपल्स आ गई स्केलर क्वांटिटीज़। ये मैं आपको आगे यही टर्म्स जो हैं आगे हमने पढ़नी है, दैट इज़ सम टर्म बेसिक टर्म्स यूज फॉर मोशन रिलेटेड टू मोशन। स्पीड, मास, वेलोसिटी मैं आगे बताऊंगा कि कौन सी स्केलर क्वांटिटीज़ में आएगी, कौन सी वेक्टर क्वांटिटीज़ में आएगी। ठीक, तो सिंपल स्केलर क्वांटिटी क्या होता है, विच हैज़ ओनली मैग्नीट्यूड। बट हमारे पास फिर आती है वेक्टर क्वांटिटीज़। वेक्टर क्वांटिटीज़ आर दोज क्वांटिटीज़ विच हैज़ बोथ, जिसमें हमारे पास मैग्नीट्यूड भी होता है ठीक, और हमारे पास क्या होता है, देर इज़ ए डायरेक्शन। अब जो भी हमारे पास क्वांटिटीज़ आएंगी ठीक है, उन डायरेक्शन उन क्वांटिटीज़ का अगर हमारे पास मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगी, उन सब क्वांटिटीज़ को हम क्या बोलेंगे, वेक्टर क्वांटिटीज़। अब समझ आ गया, ये दोनों में इतना सा डिफरेंस है, मैग्नीट्यूड एंड द डायरेक्शन। अब हमारे पास जैसे वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं कौन कौन सी आ गई, हमारे पास वेलोसिटी ठीक है, जैसे वेलोसिटी होती है ये हमारे पास क्या है, वेक्टर क्वांटिटी आ गया हमारे पास ठीक। और हमारे पास क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट, ये सब हमारे पास वेक्टर क्वांटिटीज़ होती है। उसके बाद हमारे पास ड्रिफ्ट, ड्रिफ्ट स्पीड होती है, वेलोसिटी होती है, तो ये सब हमारे पास क्या है, वेक्टर क्वांटिटीज़ है। ये आपको इसलिए ज़रूरी था क्योंकि जो भी अभी हमारे पास टर्म हम पढ़ेंगे उसमें हमारे पास स्केलर क्वांटिटीज़ और वेक्टर क्वांटिटीज़ जो है उसमें यूज़ होंगी, तो इसलिए मैंने आपको ये पहले समझा दिया। अब देखते हैं हम सम बेसिक टर्म्स रिलेटेड टू मोशन। ठीक है,
बेसिक टर्म्स यूज्ड और रिलेटेड टू मोशन। ओके, ये मैं आपको टर्म्स इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि सिंपल इन्हीं टर्म्स के ऊपर आपको जेके असेसमेंट में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट। और एक और मैं आपको सब एक बात बता दूँ स्टूडेंट्स, कि मैं आपको जो भी साइंस का पढ़ाऊँगा ना, जीएस पोर्शन जो विद मीन्स कि अकॉर्डिंग टू द सिलेबस पढ़ाऊँगा, अकॉर्डिंग टू द एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू पढ़ाऊँगा, जो जेके एसएसबी का एक तरीका होता है कि किस तरह से वो क्वेश्चंस डालते हैं, सारा एक्सपीरियंस मैं अपना डाल दूँगा, उसी तरह से हम पढ़ेंगे। ज़्यादा हमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। हमने इसमें पीएचडी नहीं करनी है, कोई भी सब्जेक्ट जो भी इसका कंपोनेंट है पीएचडी नहीं करनी है। हमने सिर्फ उतना ही पढ़ना है जितना रिक्वायर्ड है। ये नहीं है कि आप सब जगह से मटेरियल इकट्ठा कर रहे हो, नहीं, सिर्फ कोई भी एक मटेरियल लो, वहाँ से पढ़ो और वहाँ से तैयारी करो, इतना ज़्यादा नहीं है सिलेबस, ठीक है। तो हमारा भी जो स्टडी मटेरियल है हमने भी वो अच्छे से बनाया है, ज़्यादा नहीं है उसमें। तो अब जो टर्म्स इसमें यूज़ होती हैं हमारे पास, क्या क्या टर्म्स इसमें यूज़ होती हैं हमारे पास, सबसे पहले हमारे पास टर्म आती है इसमें डिस्टेंस, ठीक है। ये सब बेसिक टर्म्स मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स जो हैं वो बिल्कुल बेसिक लेवल से स्टार्ट कर रहे होंगे। तो डिस्टेंस क्या होता है? डिस्टेंस बेसिकली कि कोई भी, जब हम कोई भी पाथ या रास्ता हम कवर करते हैं, ठीक है, कवर करते हैं ना, तो उसको हम क्या बोलते हैं कि हमने कुछ चल के कवर किया या दौड़ के कवर किया या किसी गाड़ी के ऊपर हमने कवर किया। मींस द एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय ए बॉडी, द एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय ए बॉडी, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज़ डिस्टेंस, ठीक। डिस्टेंस मीन्स एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय ए बॉडी, ठीक है। कोई भी रास्ता या पाथ कवर करती है कोई भी बॉडी, उसको हम क्या बोलते हैं कि एक डिस्टेंस उसने कवर किया, ठीक है। और मैं आपको इसके साथ साथ ही बताता जाऊंगा स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज। डिस्टेंस हमारे पास क्या है, स्केलर क्वांटिटी। अब मैं आपको दोनों चीज़ें साथ मैं ही लेके चलूँगा और उनके बीच में क्या करूँगा, कंपैरिजन करूँगा, ये स्केलर क्यों है। अब देखो, डिस्टेंस से ही हमारे पास क्या चीज़ आती है, सेकंड डिस्प्लेसमेंट। अब बहुत बार इन दोनों टर्म्स में कंफ्यूजन होती है, सब बोलते हैं कि डिस्टेंस भी सेम है और डिस्प्लेसमेंट भी सेम है, ठीक है। डिस्टेंस भी सेम है और डिस्प्लेसमेंट भी सेम है। डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, ये भी क्या होता है, बेसिकली डिस्टेंस कवर करना ही होता है डिस्प्लेसमेंट, बट इसको हम क्या बोलते हैं, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ट्रेवल बाय ए बॉडी, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ट्रेवल बाय ए बॉडी फ्रॉम द इनिशियल पॉइंट टू द फाइनल। इसके हमारे पास क्या होता है, यहाँ से सपोज स्टार्ट करा और यहाँ पे पहुँच गया, तो इसके बीच में जो भी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा उसको हम डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। अब देखो क्या चीज़ रहेगी, अब डिस्प्लेसमेंट को हम क्या बोलते हैं, वेक्टर क्वांटिटी। अब बहुत बार ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में आ चुका है, बहुत बार क्वेश्चन ये एग्ज़ाम में आ चुका है कि डिस्टेंस इज़ विच क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, बोथ फॉलो या नन फॉलोज। अगर आपको पता ही नहीं होगा स्केलर है या वेक्टर है तो आप आंसर नहीं कर पाओगे। डिस्प्लेसमेंट का भी सेम इसी तरह से क्वेश्चन आता है कि डिस्प्लेसमेंट क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है या स्केलर क्वांटिटी है। तो डिस्प्लेसमेंट हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी है। अब देखो इसमें इन दोनों में डिफरेंस क्या है। देखो, जब भी डिस्टेंस हम ट्रैवल करते हैं हमें नहीं पता हम किस डायरेक्शन में जा रहे होते हैं, ठीक है। सिंपल मीन्स मैंने अभी आपको बताया कि जो स्केलर क्वांटिटी होती है उसका क्या होता है, सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। मैग्नीट्यूड मींस एक साइज़ हो गया, ठीक है, लार्ज साइज़ या कुछ भी हो गया, इसका सिर्फ हमारे पास मैग्नीट्यूड है। बट इस डिस्टेंस की हमारे पास क्या कोई भी डायरेक्शन नहीं है, कोई भी डायरेक्शन नहीं है कि ये जो बॉडी है इसमें वो किस डायरेक्शन में जा रही है। जब हमारे पास, जब हम डिस्टेंस कवर करते हैं और हम बोलते हैं कि वी आर गोइंग फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट ऑफ, हम बोलते हैं कि वी आर गोइंग फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। अब इसमें क्या आ गया, डायरेक्शन आ गई है ना, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन आ रही है। तो जब
हमारे पास जब हम डिस्टेंस ट्रैवल करते हैं उसमें हमारे पास क्या आ जाती है, डायरेक्शन। अब आपको इसमें डिफरेंस फाइंड आउट होगा। जब हमारे पास, जब हम कोई भी चीज़ ट्रैवल करते हैं और उसमें जब हमारे पास डायरेक्शन वर्ड यूज़ हो जाता है कि हमने लेफ्ट साइड जाना है, राइट साइड जाना है, ठीक है, ऊपर जाना है, नीचे जाना है, उसमें हमारे पास क्या आ गया, डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड तो ऑलरेडी हमारे पास होता ही है, ठीक है, हमारे पास जो भी कोई फिजिकल क्वांटिटी होती है उसका हमारे पास मैग्नीट्यूड हमेशा होता है। तो जब हमारे पास दोनों चीज़ें आ जाती हैं, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, तो वो जो आपका डिस्टेंस होता है वो क्या बन जाता है, यही डिस्प्लेसमेंट बन जाता है। अब आपको क्लियर हुआ होगा कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या डिफरेंस है, ठीक है, गॉट इट। और मैं बहुत सारी चीज़ें बता दूँ आपको, हमारा जो डिस्टेंस है हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है, और डिस्टेंस हमारा पॉजिटिव ही रहता है, ठीक है, डिस्टेंस इज़ ऑलवेज ए पॉजिटिव, ठीक। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर डिस्प्लेसमेंट, क्वेश्चन बहुत बार आया है डिस्प्लेसमेंट में, आपको क्वेश्चन आते हैं क्या डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो हो सकती है, क्या डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो सकती है, क्या डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव हो सकती है, बहुत बार क्वेश्चन आया। और याद रखना, डिस्प्लेसमेंट कैन बी पॉजिटिव, कैन बी नेगेटिव एंड ऑल्सो ज़ीरो, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट हमारे पास पॉजिटिव भी होती है, नेगेटिव भी होती है, और ज़ीरो भी होती है। डिस्टेंस कभी भी ज़ीरो नहीं होता, नेगेटिव नहीं होता, डिस्टेंस इज़ ऑलवेज ए पॉजिटिव, बट डिस्प्लेसमेंट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो। देखो ज़ीरो कैसे होगी, अब मैंने बोला डिस्प्लेसमेंट होता क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इज़ अ शॉर्टर डिस्टेंस। जब बॉडी इस डायरेक्शन में मूव करेगी फिर से वापस उसी पॉइंट पर आ गई, दिस इज़ योर इनिशियल पॉइंट, दिस इज़ योर फाइनल पॉइंट, है ना। जब यहाँ तक उसने ट्रैवल किया फिर से यहाँ पे आ गया, तो क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा ना। डिस्प्लेसमेंट इज़ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ये ज़ीरो था, ये 10 था, जब इसने 10 यहाँ तक कवर किया फिर वापस 10 आया, तो 10 माइनस 10 क्या हो जाएगा, ज़ीरो। तो इस तरह से आपकी डिस्प्लेसमेंट जो है क्या हो जाती है, ज़ीरो। अब नेगेटिव किस तरह से होती है, ध्यान से देखना, नेगेटिव किस तरह से होगी, ये आपका इनिशियल पॉइंट है, सेम यहाँ तक, यहाँ से आपने स्टार्ट किया, दिस इज़ योर इनिशियल पॉइंट, और यह आपका फाइनल पॉइंट आ गया, ठीक है। यहाँ तक हमारे पास एक बॉडी मूव कर रही है, और फिर क्या कर रही है, वही बॉडी वापस आ रही है, बट उसने इनिशियल पॉइंट से यहाँ से आगे तक डिस्टेंस क्या कर लिया, कवर कर लिया, फिर क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि जब हमारे पास पोज ये इसने 10 मीटर कवर किया और ये 15 मीटर कवर किया, जब हम माइनस करेंगे 10 माइनस 15, डिस्प्लेसमेंट मैंने बताया आपको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है, तो आपके पास क्या आ जाएगा, माइनस 5। तो इस तरह से आपकी डिस्प्लेसमेंट जो है नेगेटिव हो जाती है, ठीक है। अब आपको समझ आ गया डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस, अब कोई डाउट इसमें आपको नहीं रहना चाहिए। आपको कल ही मैंने आपको बताया था कि मैं बिल्कुल आपको बेसिक लेवल से समझाऊंगा, जिससे आपका कोई भी डाउट नहीं रहे, ठीक है। अब हम इसमें आगे वाली टर्म्स देखते हैं, सारी टर्म्स इसी तरह से मैं आपको पढ़ाऊंगा, जिसमें है साथ साथ में कंपैरिजन करवाऊंगा, जिससे आपको क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। और अब जो टर्म्स इसमें आएंगी वो क्या आएगा हमारे पास, अब देखो सारी जितनी भी टर्म्स है ना, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड होगी। डिस्टेंस से हमारे पास क्या बन जाएगी, स्पीड। डिस्प्लेसमेंट में हमारे पास क्या बन जाएगी, वेलोसिटी। एक्सेलेरेशन वेलोसिटी से बन जाएगी, सब आपस में रिलेट है। जब आप इनको रिलेट करोगे ना, कभी भी आपको ये टर्म्स भूलेंगे नहीं। अब नेक्स्ट जो हमारे पास थर्ड टर्म है रिलेटेड टू दिस मोशन, दैट इज़ स्पीड। अब स्पीड क्या होती है हमारी, बेसिकली स्पीड क्या होता है, बेसिकली दैट इज़ द डिस्टेंस ट्रेवल बाय ए बॉडी, मूविंग बॉडी। मूविंग बॉडी होती है, जब भी कोई मूविंग बॉडी डिस्टेंस ट्रेवल करती है विद इन, साथ में क्या होता है, टाइम, विद इन यूनिट टाइम, उसको हम क्या बोलते हैं, स्पीड विद रिस्पेक्ट टू दिस आपके पास यूनिट टाइम, उसको हम क्या बोलते हैं, स्पीड। अब स्पीड हमारे पास क्या होती है, स्पीड इज़ ए स्केलर क्वांटिटी, ये आपको फाइंड आउट करना बहुत ज़रूरी है, स्केलर है या वेक्टर है, ये क्वेश्चन बहुत बार आता है, इसलिए मैं बता रहा हूँ साथ में। स्पीड आपके पास क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। अब स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, बेसिकली स्पीड क्या बोला मैंने, दैट इज़ डिस्टेंस ट्रैवल, डिस्टेंस ट्रैवल होता है विद यूनिट टाइम। तो स्पीड का हमारे पास फॉर्मूला क्या हो जाएगा, दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट,
स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम। ठीक है, मैंने आपको डिस्टेंस का फॉर्मूला नहीं बताया ना, डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड इंटू टाइम। यहाँ से ही हमारे सारे फॉर्मूलाज ड्राइव होते हैं, दैट इज योर बेसिक फॉर्मूला, डिस्टेंस स्पीड इंटू टाइम, स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम, एंड टाइम इज डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक, और डिस्टेंस का फॉर्मूला, स्पीड का हमारे पास जो फॉर्मूला होता है इसमें है, वो हमारे पास क्या होता है, दैट इज डिस्टेंस अपॉन टाइम। सिंपल फॉर्मूला भी आपको बहुत बार पूछते हैं एग्जाम में। अब स्पीड जो है आपके पास स्केलर क्वांटिटी है, उसके बाद हमारे पास स्पीड में क्या होता है, हमारे पास आती है यूनिफॉर्म स्पीड, एक आती है हमारे पास यूनिफॉर्म स्पीड और यूनिफॉर्म मोशन। ये बहुत बार यूज़ होता है इसमें, यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, सब सेम है, बट जब आगे ये यूज़ हो जाता है फिर थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है, यूनिफॉर्म स्पीड, और दूसरा हमारे पास होता है नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। अब देखो इनमें क्या होता है कि यूनिफॉर्म स्पीड भी आपको बहुत बार आता है और नॉन यूनिफॉर्म स्पीड भी बोलते हैं। यूनिफॉर्म स्पीड, व्हेनेवर योर बॉडी इज़ ट्रैवलिंग, ठीक है, बॉडी आपका कुछ डिस्टेंस कवर कर रही है, डिस्टेंस उसका क्या होगा, इक्वल डिस्टेंस होगा। यूनिफॉर्म की मैं बात कर रहा हूँ, इक्वल डिस्टेंस होगा और टाइम भी जो उसका होगा इक्वल होगा, जो इंटरवल ऑफ टाइम्स होते हैं ना वो भी क्या होगा, इक्वल होगा, तब आपका क्या होगा उसमें यूनिफॉर्म स्पीड। अब मैं ये समझाता हूँ आपको किस तरह से होगा। सपोज ये आपका एक क्या है, रास्ता है ना, ग्राफ से मैं समझा देता हूँ आपको, ठीक है, ये टाइम डिस्टेंस ग्राफ लिया मैंने, ठीक है, ग्राफ से समझाता हूँ आपको कि यूनिफॉर्म स्पीड और हमारे पास नॉन यूनिफॉर्म स्पीड क्या होता है। देखो ये ले लिया मैंने एक्स वाई प्लेन, ठीक, यहाँ पे मैं रख रहा हूँ डिस्टेंस, ठीक, और यहाँ पे मैं रख रहा हूँ टाइम, ठीक है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ है स्पीड के रिलेटेड। देखो गाइस, जब भी आपका ये ग्राफ बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में आए, बिल्कुल सेंटर से पास होए, तो इसका क्या मतलब होता है कि आपका जो ग्राफ है वो क्या होता है, सही ही होता है, मीन्स कि डिस्टेंस भी सेम टाइम ले रहा है वो डिस्टेंस कवर करने के लिए। जैसे ये आपका जीरो पॉइंट है, अब मैंने बोला 5 जो मीटर है वो हमारे पास कोई भी ऑब्जेक्ट है या कार है, 5 मीटर जो है वो कवर कर रहा है आपका, 5 मीटर रहने दो, 5 किलोमीटर लो, 5 किलोमीटर एक कार जो है वो कवर कर रही है आपका। सपोज मैंने ले लिया 5 किलोमीटर जो है आपका 1 आवर ले लिया, ठीक है, 1 आवर ले लिया, मैं ले रहा हूँ इक्वल डिस्टेंस, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। अब हमें पहले इक्वल डिस्टेंस के क्या बनाने पड़ेंगे, इंटरवल्स, गैप्स, 5 किलोमीटर, फिर हमारे पास क्या आएगा 10 किलोमीटर, फिर हमारे पास 15 किलोमीटर, फिर हमारे पास क्या आ जाएगा 20 किलोमीटर। अब जब इक्वल इंटरवल्स होते हैं दोनों का, तो अगर 5 किलोमीटर वो 1 आवर में कवर कर रहा है, तो 10 किलोमीटर कितने आवर्स में कवर करेगा, सपोज वो भी 1 घंटे में कवर करेगा, 2 आवर्स, फिर हमारे पास 3 आवर्स, फिर हमारे पास 4 आवर, इस तरह से होगा आपका, ठीक है। और जैसे ही आपका, जैसे 5 किलोमीटर इसने 1 आवर में कवर किया, यहाँ पे पॉइंट आ गया, 10 किलोमीटर 2 आवर्स में किया, इधर आ गया, 3 आवर्स इधर आ जाएगा, 15 किलोमीटर, और ये आपका ग्राफ बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में आता है। इसको हम बोलते हैं इक्वल डिस्टेंस कवर्ड इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, उसको हम बोलते हैं यूनिफॉर्म स्पीड। अब सेम नॉन यूनिफॉर्म स्पीड का उल्टा हो जाएगा, जब आपका डिस्टेंस कवर कर रहा है अनइक्वल टाइम, डिस्टेंस आपका ट्रैवल हो रहा है, ठीक है, बट उसमें क्या है कि यूनिफॉर्म नहीं रहेगा, ठीक है, उसमें यूनिफॉर्म आपका नहीं रहेगा, डिस्टेंस ट्रैवल हो रहा है बट उसमें आपका जो टाइम होगा वो यूनिफॉर्म रहेगा होगा। मीन्स आपका जो बॉडी है, जैसे 1 घंटे में कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, सपोज उसने 1 घंटे में 5 किलोमीटर किया, बट नेक्स्ट 1 आवर में वो क्या कर देता है, कवर 3 किलोमीटर, देन नेक्स्ट 1 आवर में 5 किलोमीटर, तो उसमें जो आपका डिस्टेंस होगा, ग्राफ कभी ऐसे जाएगा, इस तरह से हो जाएगा, फिर ऐसे हो जाएगा, इस तरह से ग्राफ जाएगा, तो वो यूनिफॉर्म नहीं रहेगा, ठीक है। तो ये आपके पास था यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। अब हम पढ़ेंगे इसके साथ जो नेक्स्ट है हमारे पास, दैट इज़ वेलोसिटी, ठीक है। अब स्पीड से ही हमारे पास वेलोसिटी बनती है, थर्ड टर्म आपकी आ गई वेलोसिटी, वेलोसिटी।
अब स्पीड से ही हमारे पास क्या बन जाएगी, वेलोसिटी। तो वेलोसिटी को क्या बोलते हैं, बेसिकली हमारे पास द टाइम रेट चेंज ऑफ स्पीड, ठीक है। द टाइम रेट चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड ए स्पीड नहीं आएगा, द टाइम रेट चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। देखो इसमें डिस्प्लेसमेंट यूज़ होता है, इसमें डिस्टेंस, दोनों डिफरेंस फाइंड आउट करना, डिस्प्लेसमेंट। अब मैं बताता हूँ कि वेलोसिटी ही, बेसिकली वेलोसिटी भी क्या होती है, स्पीड ही होती है। अब स्पीड है, अब स्पीड में हमने क्या यूज़ किया था, डिस्टेंस। वेलोसिटी में हम क्या यूज़ कर रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट। ये चीज़ यहाँ पे आप डिफरेंस फाइंड आउट करोगे, टाइम रेट चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्यों यूज़ किया, क्योंकि आपका जो वेलोसिटी है वो क्या है, वेलोसिटी इज़ ए वेक्टर क्वांटिटी, गॉट इट। वेलोसिटी जो रहेगा आपका वेक्टर क्वांटिटी रहेगा। अब समझ आया, वेक्टर क्वांटिटी कौन सा, स्केलर क्वांटिटी। क्योंकि वेलोसिटी की हमारे पास हमेशा क्या होती है, डायरेक्शन, हमेशा डायरेक्शन होती है हमारे पास वेलोसिटी की। स्पीड की हमारे पास डायरेक्शन नहीं होती है, ठीक है, स्पीड की डायरेक्शन नहीं होती है, सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। वेलोसिटी, वी हैव ए डायरेक्शन, दैट्स व्हाई वी यूज डिस्प्लेसमेंट। अब वेलोसिटी क्या होता है, टाइम रेट चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, सेम फॉर्मूला। चेंज क्या हो जाएगा यहाँ पे, डिस्टेंस की जगह हमारे पास क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट, सिंपल, गॉट इट। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो टाइम रहेगा, ये आपके पास वेलोसिटी है। अब समझ आ गया होगा वेलोसिटी क्या होता है आपको, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, उसको हम क्या बोलते हैं, वेलोसिटी, ठीक है। ये बेसिक टर्म्स इसलिए मैं आपको करवा रहा हूँ क्योंकि ये एग्ज़ाम में आपको आती है। और सेम यूनिफॉर्म स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, सेम हमारे पास आता है यूनिफॉर्म वेलोसिटी एंड नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, सेम रहेगा, सेम। सिर्फ वहाँ पे चेंज क्या होगा, डिस्टेंस की जगह पे हम वर्ड क्या यूज़ करेंगे, डिस्प्लेसमेंट, गॉट इट। यूनिफॉर्म जब भी यूज़ होगा उसमें हमेशा इक्वल इंटरवल ऑफ डिस्टेंस रहेगा, और मीन्स कि इक्वल डिस्टेंस एंड इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। जब हमारे पास यूनिफॉर्म वेलोसिटी आएगा, इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। नॉन यूनिफॉर्म में इक्वल नहीं रहेंगे, उसमें इंटरवल में चेंजेस हो जाएगा, टाइम के इक्वल नहीं रहेगा उसका। तो ये है हमारे पास वेलोसिटी वाला कॉन्सेप्ट, गॉट इट। अब नेक्स्ट हमारे पास, इधर ही लिखता हूँ मैं, नेक्स्ट हमारे पास जो टर्म आती है वेलोसिटी से हमारे पास आती है, दैट इज़ एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन के ऊपर बहुत बार क्वेश्चन आता है एग्जाम में, बहुत बार क्वेश्चन आया है एक्सेलरेशन के ऊपर। तो एक्सेलरेशन क्या होता है, वेलोसिटी से हमारे पास क्या बन जाता है, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन की डेफिनेशन क्या है, सिंपल, टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, सिंपल, चेंज ऑफ वेलोसिटी। देखो अगर आप सीक्वेंस वाइज पढ़ोगे ना तो आपको इजी रहेगा, ठीक है। अगर आप सीक्वेंस वाइज पढ़ोगे तो सेम रहेगा। देखो वेलोसिटी, स्पीड से हमारे पास क्या बना, वेलोसिटी, वेलोसिटी से क्या बन गया, एक्सेलरेशन। टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन, ठीक है। तो अब एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या आएगा, एक्सेलरेशन इज डिनोटेड बाय ए, गॉट इट। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला, वेलोसिटी अपॉन टाइम, ये आपके पास एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आ गया। और एक और चीज़ मैं बता दूँ, इसके जो यूनिट्स हैं उसके ऊपर मैं अलग से टॉपिक लेके आ गया हूँ, क्योंकि आपको एसआई यूनिट का इसमें स्पेशली एक टॉपिक दिया हुआ है, इसलिए इसके मैं यूनिट्स अभी नहीं बता रहा हूँ, मीटर या मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड को अभी नहीं बता रहा हूँ। ये अलग से मैं पूरा टॉपिक लेके आऊँगा, जिसके ऊपर सारे जितने भी हमारे इंटरनेशनल एसआई यूनिट्स हैं ना, उसमें टॉपिक लेके आऊँगा। अभी सिर्फ हम यही पढ़ेंगे। और एक्सेलरेशन क्या है, एक्सेलरेशन इज़ ऑल्सो ए वेक्टर क्वांटिटी, एक्सेलरेशन इज ऑल्सो ए वेक्टर क्वांटिटी, ठीक। एक्सेलरेशन वेक्टर क्वांटिटी क्यों है, क्योंकि इसमें वेलोसिटी यूज़ हो रहा है। वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसलिए एक्सेलरेशन भी आपके पास वेक्टर क्वांटिटी है। अब एक्सेलरेशन के ऊपर आपको बहुत बार क्वेश्चंस आते हैं, वो क्वेश्चंस क्या आते हैं आपसे पूछा जाता है, एक तो सिंपल इसका ऐसा यूनिट आता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, वो तो मैं आपके लिए क्या बोलते हैं अलग से टॉपिक लेके आऊँगा, ठीक है। तो अब इसके ऊपर जो हमारे पास क्वेश्चंस आते हैं एक्सेलरेशन में, तो अब एक्सेलरेशन में हमारे पास आता है कि हमारे पास एक्सेलरेशन क्या होती है, पॉजिटिव भी होती है,
नेगेटिव भी होती है और एक्सलेशन कैन भी ज़ीरो, ठीक है। तो तीनों हमारे पास आती है। अब पॉजिटिव क्या होती है, जब हमारे पास कोई भी एक्सलेशन, कोई भी बॉडी मूव कर रही है, पॉजिटिव होगा, सेम हुई जैसे मैंने पहले बताया था। बट जो हमारे पास इसकी नेगेटिव एक्सलेशन होती है ना, नेगेटिव एक्सलेशन याद रखना, उसको हम एक वर्ड यूज़ करते हैं रिटार्डेशन। रिटार्डेशन भी हम यूज़ करते हैं, ये याद रखना, नेगेटिव एक्सलेशन को हम रिटार्डेशन बोलते हैं। बहुत बार क्वेश्चन आता है कि नेगेटिव एक्सलेशन को हम क्या वर्ड यूज़ करते हैं, ऑप्शंस आते हैं रिटार्डेशन, वेलोसिटी, स्पीड, इस तरह से आपको ऑप्शंस आते हैं। तो याद रखना, नेगेटिव एक्सलेशन इज़ ऑल्सो कॉल्ड रिटार्डेशन, ठीक है। तो ये आपके जो बेसिक टर्म्स यूज़ हो रही थी, बेसिक टर्म्स यूज़ हो रही थी आपकी मोशन में, ठीक है। इसलिए मैंने आपको आज वाला लेक्चर जो है इन्हीं टर्म्स के ऊपर करवाया है। अब जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर रहेगा, ये मोशन का ही चल रहा है। आपको मोशन को, अब आपको टॉपिक दिया तो हमें मोशन का हर एक चीज़ पढ़ना पड़ेगा। अब जो नेक्स्ट लेक्चर होगा कल वाला, उसमें हम पढ़ेंगे मोशन का ही पढ़ेंगे, यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, देन मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, ठीक है, न्यूटन्स। और कल का लेक्चर, अब कॉन्टीन्यूस लेक्चर आ रहे हैं, रेगुलर क्लासेस रहेंगी हमारी बैक टू बैक, मंडे टू फ्राइडे, बने रहिए हमारे साथ। हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पूरा सिलेबस कवर करवाएंगे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल के ऊपर, ठीक है। और स्टडी मटेरियल के लिए आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, नीचे नंबर हमने दिया हुआ है, आपको सिर्फ स्टडी मटेरियल के लिए ही पे करना पड़ेगा। बाकी आपको लेक्चर्स हमारे सारे फ्री ऑफ कॉस्ट सब आपको पढ़ाए जाएंगे। सो आज का जो लेक्चर था, आज हम यहाँ पे ही ख़त्म करते हैं। अब नेक्स्ट जो है कल लेक्चर आएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे, और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अगर अच्छा लग रहा है शेयर करें, और थैंक यू।